लाठी डंडे से लेस असामाजिक तत्वों ने दबंगई कर रैयत परिवार से की खूब मारपीट। रैयतधारी न्याय की गुहार लगाने पहुंचे एसएसपी कार्यालय, निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग। धनबाद जिले के गोविंदपुर अंचल क्षेत्र अंतर्गत उदयपुर मौजा में एक रैयत परिजन के साथ दर्जनों असामाजिक तत्वों ने खूब मारपीट की, जिसमें एक परिवार के दो लोगों को काफी चोटें आई हैं। बरवड़ा थाना में शिकायत दर्ज करवा कर कार्रवाई की मांग की गई। निष्पक्ष जांच व दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर धनबाद एसएसपी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की गई। वहीं डीएसपी अमर कुमार पांडे से हुई घटना को लिखित व मौखिक रूप में दी गई। डीएसपी ने उचित कार्रवाई की भरोसा दिए। मामले में धनबाद डीसी ने भी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। घटना के संदर्भ में बताया गया कि अपने जमीन पर थे तभी अचानक दर्जनों लाठी डंडे से लेस मुंह बांधे असामाजिक तत्व पहुंच गए, मारपीट शुरू कर दी। उक्त गांव के ही भूमाफिया के इशारे पर असामाजिक तत्वों ने कुकृत घटना को अंजाम दिया। कहां से आए हो? उदयपुर गांव से। हम बरवड्डा क्षेत्र के उदयपुर गांव। क्या मामला है? क्या सर में चोट कैसे लगा है? सर में चोट लग गया है, जमीन का मामला है। हम लोग का बीएड कॉलेज जोड़ा पीपर के बीएड कॉलेज के पास हम लोग का जमीन है। वहाँ पर मीनार किशोर संजय साहब और सुरेश साहब चला रहा था जेसीबी। एक दिन पहले घटना हमारा चाचा को मार दिया था, तीरथनाथ चाचा को। तो हम लोग सोचे हम लोग का जमीन है तो हम लोग काहे चला रहे, तो हम लोग चल गए जमीन में। बोले कौन है आएगा तो आने दीजिए, देते रहते। कितना जमीन है हम लोग का? 1 एकड़ 8 जमीन। उन लोग कहाँ कराने वाला है? मीनाक किशोर संजय साहब और सुरेश साहब गाँव का ही है, हम लोग का भाई गोतिया ही है। लेकिन उन लोग अज्ञात 20-30 आदमी लेके आए थे, मुँह में बांध के। अच्छा, तो जेसीबी चला रहा था? जेसीबी चला दिया था और पहले फ्रंट रूम में पूरा जेसीबी चला के घेरने का इरादा था। तो आप लोग विरोध किए? हाँ, हम लोग विरोध किए थे। हम लोग मतलब बैठे हुए थे कि फैसला, उन लोग बोला कि अज्ञात आदमी आने के बाद बोला फैसला करेंगे, तुम लोग बैठो बैठो। और हम लोग को लाठीचार्ज। जमीन आपका है, जेसीबी उन लोग चला रहा था, विरोध करने पर मारपीट किया गया। कितने के संख्या में आए थे उन लोग? 25-30 अज्ञात आदमी। 25-30 क्या चीज़ से मारा है उन लोग पास? जो थे एकदम कुदाल का बेट, कुदाल का बेट जो होता है एकदम लग रहा रॉड टाइप का था। अच्छा, थाना में केस किए आप लोग? हाँ, थाना में केस किए हैं। कौन थाना में? 23 को ही किए हैं। 23 को दर्ज करा दिए थे मामला, 24 को भी दिए मामला अभी तक। बरवड्डा थाना में? हाँ, बरवड्डा थाना में। इंसाफ नहीं मिला है? इंसाफ अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। एसएसपी से गुहार लगाने आए हैं? एसएसपी से हम लोग गुहार लगाने आए हैं। और मतलब थाना वाला हम लोग को रिसीविंग कॉपी FIR दर्ज किए थे, उसका रिसीविंग कॉपी नहीं देना चाह रहे थे। हम DSP से गुहार लगाए, तब DSP के थ्रू से हम लोग को मिला है रिसीविंग कॉपी। और आज हम लोग का घर थाना वाला आए थे और मतलब बोले थे कि बेल करा लो, नहीं तो कल ही फिर थाना में भी बोला था कि तुम लोग को जिसका नाम में FIR दर्ज है पकड़ के ले जाएंगे पुलिस का जेल। उन लोग भी केस किया है? हाँ, उन लोग लूटपूट का केस कर दिया है। आज हम लोग का रिसीविंग क्या केस किया हम लोग? उन लोग भी हम लोग पर जो धारा लगवाया है वही उन लोग का भी उसमें धारा लगा दिया है। और हम लोग का केस नंबर 154 है। तो उन लोग अभी करवाए हैं 28-29 को करवाए होंगे ना, पुलिस के शुरू करवाए होंगे। तो उन लोग का केस नंबर 153 कर दिया। क्या चाहते हैं हम लोग अभी? हम लोग चाहते हैं हमारा जमीन बचे और हम लोग का घर में सुरक्षित रह सके। हम लोग घर में रह नहीं पाते हैं, डर लगता है। जमीन किसके नाम पर है? जमीन हम लोग बाबा के नाम पर है। क्या नाम है बाबा? श्रीधर महतो। क्या नाम है तुम्हारा? विजय कुमार साहब। उसके दिमाग में